लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है, अब की बार होने जा रहा है कि 400 पार? विजय जी, 400 पार हो या ना हो, लेकिन 400 के पास जरूर हैं। और यदि वो 400 पार नहीं हो रहे तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो पूरी पार्टी चल रही है उसमें जो कुछ ब्रेक्स लगते हैं लोकलाइज, यानी जो सिटिंग एमपीज हैं या एमपीज के कैंडिडेट जो हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा रोक लग सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फटाफट है मामला, 400 पार नहीं तो 405 तो पहुंच रहा। राकेश शुक्ला जी, ये बिल्कुल जो रुझान आ रहा है मैं उसके उसको मानता हूँ कि जिस तरीके का चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लेके लड़ा है उसमें वो बहुमत के लिए नहीं लड़े हैं बल्कि 2019 के रिजल्ट को आगे ले जाने के लिए। जल्दी से आगे बढ़ेंगे अमिताभ, 400 पार होने वाला है, 400 पास रहने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए 400 के आसपास ही रहेगा और ये बड़ी अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी ने बड़ी जादूगरी के साथ पूरा का पूरा जो नैरेटिव है उसको शिफ्ट कर दिया 400 के इर्द गिर्द। 272 की कोई चर्चा नहीं, 400 की चर्चा शुरू, 400 की चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा एक मिनट, जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये उधमपुर से कैंडिडेट बीजेपी के 2014-2019 में जीत चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं और अब काउंटिंग सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने समर्थकों के साथ पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 400 पार, 400 पास, क्या होने वाला है आज? रोमाना मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ओवर प्रिपरेशन करती है, हो सकता है 400 के बहुत आस पास या 400 से ऊपर भी जा सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को हमेशा एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करती रहती है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कौन सी नई पॉसिबिलिटी नंबर के तौर पर आज देखने के लिए मिलेगी मनोज जी? 400 पार, 400 पास, क्या होने वाला? देखिए मेरे हिसाब से यूपी में 64 से 68 सीटें आनी चाहिए, अगर ये 70 पार है तो देश में 400 पार है। 70 पार अगर यूपी तो देश में 400 पार, क्या होने वाला है? देखिए बिहार में राह आसान नहीं है, ना एनडीए के लिए ना इंडिया के लिए, फाइट है और मुझे लगता है बराबर की लड़ाई है बिहार में। कई ऐसे सीट है, पाटलिपुत्रा, सारण, तमाम, मतलब बिहार फंसा रहा है, मतलब बिहार फंसा रहा है, बिहार 400 पार होने नहीं दे रहा है, बंगाल करवाएगा 400 पार? बंगाल और उड़ीसा पे जान टिकी हुई है, 400 पार असंभव है, लेकिन 400 के पास जो है वो बंगाल और उड़ीसा के परफॉर्मेंस से ही कुछ पता चलेगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र की पहेली सुलझ गई फिर तो मतलब एनडीए 400 पार। देखिए महाराष्ट्र ही बताएगा कि देश में क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र नए नतीजे देगा, चमत्कारी नतीजे देगा। यदि बीजेपी पूरी सीटें जीत गई जितनी उसने लड़ी है तब शायद 400 पार, अन्यथा कम। ये दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इसमें दिल्ली और हरियाणा की अगर बात की जाए क्लीन स्वीप था, 400 पार के लिए कितने मददगार होंगे तीन राज्य? देखिए ये 400 पार का जो आंकड़ा है बहुत मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है, अगर इसके आसपास पहुंचता है एनडीए तो विपक्ष के लिए एक मतलब लड़ाई लड़ने के लिए जो ताकत चाहती है चाहिए अंदर से वो खत्म होती हुई दिखाई देती है, विपक्ष बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई। मतलब यहां तो चुनाव से पहले ही ये मनोवैज्ञानिक बढ़त विपक्ष पर बना ली 400 पार? लगता तो ऐसा ही है कि 2019 में जैसा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे दोहराए जा रहे हैं उससे लगता है, खास तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 75 के पास जाता है तो 400 पार निश्चित है। बिल्कुल सर, 400 पार। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, 2018 में जब त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार थी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि बीजेपी वहां एंटर कर सकती है, उन्होंने जीरो से असेंबली में 35 सीटें ला दी थी, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, एक मिनट जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है, केंद्रीय मंत्री हैं, सुनते हैं। निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से जुटे। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, 400 पार होगा, 400 पास होगा और उसमें केरल में कमल खिलेगा क्या? इस बार शायद कमल खुलेगा, मतलब खिलेगा। मतलब अगर केरल जैसे राज्य से भी बीजेपी को सीट मिलेगी तो मतलब एनडीए 400 पार। पहली बार साउथ इंडिया से भी, जैसे मैं तेलंगाना और आंध्रा की अगर बात करूं तो पहली बार बीजेपी के जीत में कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। 25 से 30 सीटें तक ये दो राज्यों से बीजेपी को मिलने की संभावना है जो पहले कभी थी नहीं। जो पिछली बार अगर आंध्र और तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और चारों तेलंगाना से मिली थी, आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था, क्या होने वाला है? झारखंड का मिजाज 400 पार करवा देगा? बिल्कुल नहीं, झारखंड में अभी भाजपा के पास मतलब उसके एलाइज को मिला, मतलब हेमंत सोरेन के लिए सिंपथी है। बिल्कुल हेमंत सोरेन के लिए सिंपथी है, झारखंड अटक रहा है मामला, कर्नाटक में क्या होने वाला है, 400 पार करवाएगा क्या? 400 पार मुझे नहीं लगता है ये बीजेपी का 400 मिलेगा, जैसे 400 के पास पहुंच जाएगा, 400 का पास, पास नहीं, नहीं पास भी नहीं पार भी नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।